हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 4 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि एग्जाम्स में मिनिमम 6 मार्क्स में और मैक्सिमम 8 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की थी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, और हमने वहां पर देखा था कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वो इक्वी स्पेस नहीं होते। और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें लाइन्स देखने को मिलती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जबकि जो आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, वो आता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिला के बनता है, ये है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दो एटम्स हैं। पहला एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इसका मास m1 है पहले एटम का, इसका मास m2 है, और इसका जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दोनों के बीच का, जब दोनों एटम जो है रेस्ट पोजीशन पे हैं, जब ये वाइब्रेशन नहीं कर रहे होंगे, तो इसका इनके बीच का जो मेन डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, उसको हम r0 मान लेते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल जो है, मींस इसके एटम जो है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं वाइब्रेशन के टाइम किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r हो जाता है, जबकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r0 था, और वाइब्रेशन करते टाइम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं r है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी इस डिस्टेंस को जब हम इस डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी इस मॉलिक्यूल के अंदर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दीज टू एटम्स। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू r - r0। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी चीज को खींचते हैं तो होता क्या है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाती है। जब भी किसी चीज को खींचा जाता है या कंप्रेस किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक किसी रबर या स्प्रिंग को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने एक फोर्स अप्लाई करके उसको ऐसे खींच दिया, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फोर्स के कारण इसके अंदर स्ट्रेचिंग आ गई है, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगी जो उसको वापस उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी उसके अंदर, वो डिपेंड करेगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है, मींस रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये हमें कौन सा लॉ बताता है, ये हमें बताता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि जितनी आप डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे किसी भी स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट के अंदर, उतनी ही उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है r - r0, तो डिस्प्लेसमेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी आपकी वो प्रोपोर्शनल टू होगी डिस्प्लेसमेंट r - r0 के। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज को बेस मानते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप स्टार्टिंग में एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। Let us consider the vibrational motion of a diatomic molecule. आज हम बात करेंगे vibrational motion of a diatomic molecule के बारे में। यह है हमारा diatomic molecule जो कि दो एटम से मिला के बनना है, पहले एटम का मास m1 है, दूसरे एटम का मास m2 है। आज हम ये मान के चलेंगे कि ये इसके अंदर rotational motion नहीं है, ये molecule rotational motion नहीं कर रहा, ये सिर्फ vibrational motion कर रहे हैं इनके atoms about their mean position. Let m1 and m2 be the masses of two atoms forming the diatomic molecule. तो m1 m2 उन atoms के masses हैं जो ये molecule बना रहे हैं, diatomic molecule बना रहे हैं। Let the atoms r separated by an equilibrium distance r0। तो हम मान लेते हैं कि equilibrium में जब ये दोनों atoms rest में होंगे, जब इनके अंदर vibration motion नहीं होगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो r0 होगा, मींस इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो r0 ले लिया। एज द मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द एटम्स द डिस्टेंस बिटवीन देम चेंजेस, क्योंकि ये दोनों के दोनों एटम जो है वो
उस लाइन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, जो इनको ज्वाइन कर रही है इस लाइन के अबाउट ये दोनों आइटम्स वाइब्रेट करेंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ दीज एटम्स अबाउट दिस लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है. लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ वाइब्रेशनल मोशन द सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स बी आर. तो हम मान लेते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन एग्जीक्यूट करते समय किसी टाइम पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम आर मान लेते हैं. देन रिस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तो जब ये इस पोजिशन में होंगे, इस पोजीशन में होंगे जब वो वाइब्रेट कर रहे होंगे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उनके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी जो वापस इन दोनों एटम्स को यहां लाने की कोशिश करेगी जहां पर वो पहले थे. तो स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगी, ये हमें हुक्स लॉ कहता है. और डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे आर माइनस आर जीरो करके, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन करके. सो एफ प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर जीरो, आर माइनस आर जीरो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एफ यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है. और ये लॉ हमने कौन सा यूज किया है, हुक्स लॉ यूज किया है जो हमें ये कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. सो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगेगा, वो कॉन्स्टेंट होगा के, आगे आपको माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा. वेर के इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट, माइनस साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. अगर आप अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, अगर आप अप्लाइड फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगी. सो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. इसी इक्वेशन को यूज करते हुए आगे की फर्दर डेरिवेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर. तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं डेरिवेशन में आगे. लास्ट सेक्शन में हम यहां तक निकाल चुके थे एफ इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस आर जीरो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. सिंपलिसिटी के लिए हम आर माइनस आर जीरो को एक्स मान लेते हैं. सो एफ विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि हमने आर माइनस आर जीरो की जगह एक्स पुट कर दिया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी. देखिए स्टूडेंट्स एम वन एंड एम टू जो है ये एटम्स के मासिस हैं जो मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं. इन दोनों एटम से मिला के बने हुए डाया एटोमिक मॉलिक्यूल को हम एक सिस्टम की तरह एज्यूम कर सकते हैं जिसका मास जो है वो कितना होगा, वो इतना होगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. इस दो एटम से मिलाकर बने हुए मॉलिक्यूल को हम एज अ वन सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं जिसका मास इतना होगा, और इस मास को बोला जाता है रिड्यूस्ड मास. देखिए स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड मास वाला कंसेप्ट जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स वाले टॉपिक में भी यूज हुआ था. अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे हम इसको दो एटम से मिला के बने हुए सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं जिसका मास इतना होगा. तो स्टूडेंट्स अब हम इस पूरे मॉलिक्यूल को जो दो एटम से मिला के बना है इसको एज अ सिंगल सिस्टम ही ट्रीट करेंगे जिसका मास इतना होगा. तो जब भी हम मास की बात करेंगे तो हम m1 m2 के इंडिविजुअल मासेस ना लेके इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड मास लेंगे जिसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, जिसका एक्सप्रेशन ये होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो आप लाइन क्या लिखेंगे आगे, as m1 and m2 are the masses of two atoms forming the diatomic molecule so reduced mass mu of the molecule is given by. तो स्टूडेंट्स क्योंकि m1 m2 जो है उन दो एटम्स के मासेस हैं जो कि इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, तो इस पूरे डायटोमिक मॉलिक्यूल का मींस इस पूरे सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास होगा जिसको हम कंबाइंड मास भी बोलते हैं वो कितना होगा, वो होगा म्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी. तो स्टूडेंट्स अब हम लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ताकि हमें फोर्स की वैल्यू मिल सके. तो स्टूडेंट्स आप लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, बड़ा ही फेमस लॉ है और जो हमें कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी. तो मास की जगह हम लेंगे कंबाइंड मास इन दोनों एटम्स का जो कि है म्यू के बराबर, तो एम की जगह आप म्यू लिखेंगे. एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो स्टूडेंट यहां पर ये तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक्स है क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट आर माइनस आर जीरो थी जिसको हमने एक्स मान लिया था. तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे. एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मींस डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एफ विल बी इक्वल टू म्यू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एम की जगह हमने म्यू रखा है, कंबाइंड मास रखा है इन दोनों एटम्स का इस पूरे सिस्टम का,
और एक्सेलरेशन की जगह हमने ये रखा है, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स एक फोर्स हमने हुक्स लॉ से निकाली थी, एक फोर्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाली है। दोनों फोर्सेस को अब हम कंपेयर करेंगे, तो हम लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग टू एंड फोर वी गेट। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड हम सेम रख देंगे। सो म्यू पहले आप इसकी राइट हैंड साइड रखेंगे म्यू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू, फिर आप इसके राइट हैंड साइड रखेंगे माइनस के एक्स। तो स्टूडेंट्स म्यू को आप नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाय म्यू एक्स। तो स्टूडेंट्स ये पूरी टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय म्यू एक्स ये इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम कर चुके हैं, इसके बाद की जो डेरिवेशन है वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक निकाल चुके थे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय म्यू एक्स इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स अब हम के बाय म्यू को ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर ओमेगा स्क्वायर को हमने के बाय म्यू पुट किया है, मीन्स के बाय म्यू को ओमेगा स्क्वायर पुट किया है ये कहना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन आपको मिली है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एटम्स हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर फॉर्म कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन ये होगी। और इस सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की अपनी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी ऑक्सीलेशन करने की, वो कितनी होगी आइए देखते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ओमेगा की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय म्यू। तो हमारा सिस्टम जो है एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करेगा जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, के यहां पर फोर्स कॉन्स्टेंट है, म्यू यहां पर रिड्यूस मास है सिस्टम का। सो ओमेगा को अगर हम सिंपल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करें, हम जानते हैं ओमेगा एंड न्यू में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई न्यू नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय म्यू, यहां पर न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, सो न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाय न्यू। इसका मतलब ये है कि एक वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह भी बिहेव करता है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने जितना भी बात की वो हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई किया, जैसे हमने एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई किया था। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है ये क्लासिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। तो अभी तक हमने इसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर हमने निकाला है, उसका एक्सप्रेशन निकाला है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है। अब हम बात करेंगे हमारे वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल के क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब हेडिंग बनाएंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट हमें क्या कहती है कि अगर इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, जैसे हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, वाइब्रेट करते हुए स्ट्रेच हुआ, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसको वापस इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डेवलप हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फोर्स पर कैसे डिपेंड करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो रिलेशन आपको याद रखना है, वो रिलेशन आप कैसे लिखेंगे, तो आप हेडिंग बनाएंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, जो फोर्स होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी है और डी बाय डी एक्स लगा दिया, मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो फोर्स को हम नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वी क्या है यहाँ पर, वेयर वी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की जो डेरिवेशन है वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, वो ये होता है फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस डीवी बाय डीएक्स की फॉर्म में हम फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिफ्थ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक और फोर्स की वैल्यू निकाली थी जो कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फोर्स कॉन्स्टेंट के टर्म्स में थी, वो कितनी थी फ्रॉम इक्वेशन टू, पिछले सेक्शन में आप इक्वेशन टू से देख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स था। तो स्टूडेंट्स ये भी एफ की वैल्यू है, ये भी एफ की वैल्यू है, तो अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें
करेंगे। कंपेयरिंग अबव टू इक्वेशंस वी गेट, सो स्टूडेंट दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड हम सेम रख देंगे, तो माइनस डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से डीवी की वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा तो डीवी की वैल्यू आ जाएगी के एक्स और डी एक्स यहां आ जाएगा के एक्स डी एक्स। ये हमारी सिक्स इक्वेशन होगी। हम फाइंड करना चाह रहे हैं हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी वी। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स के। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सिक्स वी गेट, यहां भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहां भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, और जो लिमिट्स लेंगे इंटीग्रेशन की आप यहां पर लेंगे 0 से लेके x तक। k कांस्टेंट है, फोर्थ कांस्टेंट इसको आप बाहर रखेंगे तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू x, 0 टू x x dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 का एक्स स्क्वायर बाय टू होता है। तो स्टूडेंट्स पहले आप एक्स की जगह एक्स रखेंगे, फिर एक्स की जगह आप जीरो रखेंगे, तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू हाफ के। जब आप एक्स की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर जीरो रखेंगे, जीरो आ जाएगा, तो जीरो हम लिखेंगे नहीं, तो वी की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर चुके हैं हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की, मीन्स एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो दो एटम से मिला के बनना है और दो एटम जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट इट्स मेन पोजिशन। क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देख रहे हैं हमारे गिवन प्रॉब्लम का, तो हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन दो प्रकार की होती है, श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स का वाइब्रेशंस है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, और साथ के साथ जो एटम्स का वाइब्रेशन है वो सिर्फ वन डायमेंशन के अलोंग है, सिर्फ इस एक्सिस के अलोंग है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूज करेंगे श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन वाली। तो स्टूडेंट्स श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में आप पिछले सेमेस्टर में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन के डेरिवेशन भी आप देख चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। तो पिछले सेमेस्टर का हम डायरेक्ट रिजल्ट उठाएंगे जो कि श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन के फॉर्म में होगा। नाउ श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय, वैसे भी आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको श्रोडिंजर की टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दोनों टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत काम आती हैं फिजिक्स की डेरिवेशन करते टाइम ये। तो स्टूडेंट्स वो इक्वेशन थी श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन जो थी, वो थी कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। एट इक्वेशन ई यहाँ पर कनेटिक एनर्जी है, वी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर कर्ली क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारा मोशन वन डायमेंशन में है। तो स्टूडेंट जब हमारा एक ही डायमेंशन में सिस्टम मूव करता है या वाइब्रेट करता है तो हमें कर्ली यूज करना पड़ता है। अगर हमारी इक्वेशन थ्री डायमेंशन में होता, अगर हमारा मोशन जो है वो थ्री डायमेंशन में होता, तो यहाँ पर हम कर्ली की बजाय कंप्लीट डेरिवेटिव लेते, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर लेते, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर लेते, क्योंकि हमारा मोशन वन डायमेंशन में है तो हम डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, हम लेंगे कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होती है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ये एट्थ इक्वेशन है। तो वी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हम लाइन लिखेंगे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट उसमें यूजिंग सेवन इन एट। तो हम लाइन लिखेंगे यूजिंग सेवन इन एट वी गेट कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाय एच कट स्क्वायर ऐसी रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट ई ऐसी रहेगा, माइनस वी की जगह आप ये लिख देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स आपके पिछले सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट टू के अंदर एक टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर करके, जिसको आपने क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकाल के सॉल्व किया था। तो वहां पर भी ऐसी ही इक्वेशन हमें मिली थी, और जब हमने इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया था तो हमें सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए जो एनर्जी आई एन वैल्यूज मिली थी उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, नहीं तो टॉपिक जो है उसकी डेरिवेशन जो है बहुत लंबी हो जाएगी, आगे ही ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आपको सीधा ये इक्वेशन लिखने के बाद आपको सीधा लाइन लिखनी है, ऑन सॉल्विंग अबव इक्वेशन एनर्जी आई एन वैल्यूज फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आर गिवन बाय। जब आप इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड लगा के सॉल्यूशंस फाइंड करते हो उनके, तो आपको यहाँ से ई की वैल्यू मिलती है। तो ई की वैल्यू को हम बोलते हैं एनर्जी आई एन वैल्यूज, तो वो वैल्यू मिलती है एन प्लस वन बाय टू एच न्यू नॉट। यहाँ पर जो हमारा एन है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी जो वैल्यूज हैं इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री सो ऑन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और न्यू नोट तो आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं पिछले सेक्शंस में, वो क्या था वन बाय टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ के न्यू नोट। यहाँ पर जो न्यू नोट है वो इंटरनल फ्रिक्वेंसी है ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स क्योंकि एन के टर्म्स में आया है तो जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है उसको
हम n के टर्म्स में लिखेंगे तो हम इसको e ना लिख के e के पैर में n लिखेंगे ऐसे करके। तो स्टूडेंट्स ये नाइन्थ इक्वेशन आ चुकी है। इस रिजल्ट से नाइन्थ इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है और इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने यहां तक फाइंड कर लिया था, en की वैल्यू फाइंड कर ली थी, n प्लस 1/2 h न्यू नॉट, ये 90 इक्वेशन थी जहां पर n था वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू हो सकती थी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हम हेडिंग बनाएंगे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस। अब हम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं जबकि रोटेशन एनर्जी लेवल जो थे वो इक्वली स्पेस्ड नहीं थे। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग करेंगे हम n इक्वल टू 0 के लिए। पहले हम लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड करेंगे फॉर n इक्वल टू 0, या सब n की सबसे छोटी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर जो कि है 0। तो पहले आप फर्स्ट नंबर बनाएंगे फॉर n इक्वल टू 0, जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो E0 विल बी इक्वल टू n की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ एच न्यू नॉट, हाफ एच न्यू नॉट। देखिए स्टूडेंट जो हमारा लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होगा जिसकी एनर्जी E0 होगी फॉर n इक्वल टू 0, वो 0 नहीं आ रही एनर्जी, जबकि रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो सबसे लोएस्ट रोटेशन एनर्जी लेवल था उसकी एनर्जी 0 आ रही थी, बट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो होगा लोएस्ट एनर्जी जो होगी उसकी वो हाफ एच न्यू नॉट होगी, 0 नहीं होगी और इसको बोला जाता है 0 पॉइंट एनर्जी। तो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय 0 पॉइंट एनर्जी। तो आप पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे फिर n की वैल्यू 0 पुट करके दिखाएंगे, तो आप E0 की वैल्यू हाफ एच न्यू नॉट लिख के दिखाएंगे तो आप लिखेंगे कि जो लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं और वो 0 नहीं होती, उसकी कुछ वैल्यू होती है और वो वैल्यू है हाफ एच न्यू नॉट और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये भी 2 नंबर क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो स्टूडेंट्स अगले लेवल की एनर्जी निकालते हैं एन की दूसरी वैल्यू पुट करके, एन की नेक्स्ट वैल्यू होगी 1, 0 के बाद 1 आएगा, E1 विल बी इक्वल टू, जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 एच न्यू नॉट। थर्ड में फॉर n इक्वल टू 2, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको E2 मिलेगा 5/2 h न्यू नॉट। इसी तरह से जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो E3 की वैल्यू मिलेगी 7/2 h न्यू नॉट एंड सो ऑन। ऐसे भी आप बाकी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब ड्रॉ करते हैं वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 0 के लिए ड्रॉ करेंगे। n इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास जो एनर्जी आ रही है जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं वो आ रही है हाफ एच न्यू नॉट। उसके बाद कितनी आ रही है n इक्वल टू 1 के लिए, E1 की वैल्यू आ रही है 3/2 h न्यू नॉट। फिर आपकी n इक्वल टू 2 के लिए E2 की वैल्यू आ रही है 5/2 h न्यू नॉट। ये आपने बराबर गैप पे बनाने हैं, गैप सेम रहना चाहिए इन लेवल्स के बीच में, यही खासियत है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स की। फॉर n इक्वल टू 3, E3 की जो वैल्यू है वो है 7/3 h न्यू नॉट। इसी तरह से E4 की वैल्यू भी लिख सकते हैं आप। 4-5 आपको एनर्जी लेवल जो है वो ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे। तो ये है आपके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, इनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। तो आप आगे क्या लिखेंगे, दस वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ आर डायटोमिक मॉलिक्यूल आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हाफ एच न्यू नॉट है, हाफ के बाद 3 टाइम्स ऑफ हाफ एच न्यू नॉट है, उसके बाद 5 टाइम्स ऑफ हाफ एच न्यू नॉट है, उसके बाद 7 टाइम्स ऑफ हाफ एच न्यू नॉट है। मीन्स 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 3 और 5 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 5 और 7 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे प्रूव होता है कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं और वो क्वांटाइज्ड होते हैं, मींस किसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। जैसे हम 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 3 multiply half h nu naught, इसको लिख सकते हैं 5 multiply half h nu naught, इसको लिख सकते हैं 7 into half h nu naught। तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ दिस, 5 टाइम्स ऑफ दिस, 7 टाइम्स ऑफ दिस चल रहा है, तो किसी के मल्टीपल्स में चल रहे हैं ये 3, 5, 7 के बाद 9, 11 ऐसे चल रहे हैं।
थ्री और फाइव के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, फाइव और सेवन के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, इसी चीज को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन एंड डिस्क्रीट वैल्यूज का होना। तो वाइब्रेशन वाले लेवल जो है वो क्वांटाइज भी होते हैं और डिस्क्रीट भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि वाइब्रेशन वाले लेवल्स को आप कैसे इक्वली स्पेस पुट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो पहले आप ई1 माइनस ई0 निकालेंगे, ई1 की वैल्यू है 3/2 एच न्यू नॉट, ई0 की वैल्यू हाफ एच न्यू नॉट, जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 एच न्यू नॉट। जब आप ई2 में से ई1 को माइनस करेंगे, ई2 की वैल्यू है 5/2 एच न्यू नॉट, ई1 की वैल्यू है 3/2 एच न्यू नॉट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 एच न्यू नॉट। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस जो एच न्यू नॉट आ रहा है, जब आप बाकी लेवल्स का भी डिफरेंस निकालेंगे ई3 माइनस ई2 ई4 माइनस ई3 तो आपको भी एच न्यू नॉट ही देखने को मिलेगा। मीन्स इन लेवल्स के बीच का गैप सेम रहेगा, सेपरेशन सेम रहेगी और वो सेपरेशन होगी एच न्यू नॉट के बराबर। तो आप कंक्लूजन लिख देंगे लास्ट में, हैंस वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस। तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स जो है वो इक्वली स्पेस होते हैं, जबकि रोटेशन एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस नहीं थे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि जब मॉलिक्यूल इन वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करेगा तो कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स फॉलो होंगे, और ट्रांजिशन करते समय जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन भी हम फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वो डिस्क्रीट होने के साथ साथ क्वांटाइज्ड भी होते हैं और साथ के साथ वो इक्वली स्पेस्ड भी होते हैं। और रोटेशन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो थे डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वो हमने ऐसे ड्रॉ किए थे जिनकी एनर्जी जो है वो कुछ इस प्रकार से थी। अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल के जो ट्रांजिशंस करेगा इन अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो होंगे जिनको हम सिलेक्शन रूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल सिर्फ उन्हीं ट्रांजिशंस को कर सकता है जिनके लिए, जिन ट्रांजिशंस के लिए एन की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो या तो प्लस वन से चेंज आए या माइनस वन से चेंज आए। आइए देखते हैं कैसे। मॉलिक्यूल क्या फिफ्थ लेवल से फोर्थ लेवल में ट्रांजिशन कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि 5-4 जो है वो 1 होता है। क्या स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल यहां से यहां ट्रांजिशन कर सकता है, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन कर सकता है? क्या ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 5-3 जो है वो 2 होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको देखना है कि n जो n का डिफरेंस है वो 1 कब आ रहा है, सिर्फ वही ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगी। 4 से 3 वाली ट्रांजिशन अलाउड होगी क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 होता है। 3 से 2 वाली ट्रांजिशन अलाउड होगी क्योंकि 3-2 1 होता है, 2-1 1 होता है, उसी तरह से 1-0 जो है वो 1 होता है। तो प्लस 1 में प्लस 1 से चेंज आ रहा है एम की वैल्यू में इन ट्रांजिशंस के लिए, तो ये सारी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगी। तो स्टूडेंट्स आप बात करते हैं -1 आपको कैसे मिलेगा, जब आप 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, तो मीन्स ये वाली ट्रांजिशन भी अलाउड होगी, 0 से 1 वाली, नीचे से ऊपर जाने वाली ट्रांजिशन भी अलाउड होगी क्योंकि 0-1 होता है। क्या 0 से 2 वाली ट्रांजिशन अलाउड होगी? नहीं होगी क्योंकि 0-2-2 होता है। 1 से 2 वाली अलाउड हो जाएगी क्योंकि 1-2 जो है -1 होता है। सिमिलरली 2 से 3 वाली ट्रांजिशन अलाउड होगी क्योंकि इनका डिफरेंस भी -1 होता है। 3 से 4 वाली होगी क्योंकि 3-4 -1 होता है। 4 से 5 वाली होगी क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो -1 होता है। तो सिर्फ यही ट्रांजिशंस अलाउड होंगी मॉलिक्यूल को करने के लिए इन अलाउड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स में, क्योंकि इन ट्रांजिशंस के लिए एन की वैल्यू में या तो प्लस वन से चेंज आ रहा है या फिर -1 से चेंज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए हेडिंग बनाएंगे आप सिलेक्शन रूल्स और इसमें क्या लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। बिटवीन वेरियस डिस्क्रीट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर विच डिफरेंस इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एन ऑफ टू लेवल्स इज +-1 दैट इज डेल्टा एन इक्वल टू +-1। तो बहुत सारे जितने भी डिस्क्रीट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स अलाउड है मॉलिक्यूल्स के लिए, उनके बीच में सिर्फ वही ट्रांजिशन अलाउड होंगी, मॉलिक्यूल सिर्फ वही ट्रांजिशन कर पाएगा जिनके लिए जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो या तो +1 से आए या -1 से आए। मींस डेल्टा एन इज इक्वल टू +-1 मींस वही ट्रांजिशन अलाउड होंगे जिनके लिए चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसको हम डेल्टा एन से डिनोट करेंगे, या तो +1 से आना चाहिए या -1 से आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ करके। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको दो तरीके से मिल सकता है। पहला तरीका यह है कि मान लीजिए मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर स्टेट में आएगा तो एक फोटोन एमिट करेगा और आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। इस प्रकार के स्पेक्ट्रा को बोला जाता है एमिशन
वाइब्रेशनल एमिशन स्पेक्ट्रा, तो इस केस में एमिशन होगा फोटोन का। हो सकता है मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हो, लोअर लेवल में प्रेजेंट हो और वो हायर लेवल में जाना चाहता हो, तो वो क्या करेगा, बाहर से आपको उसको एक फोटोन देना पड़ेगा, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा जिसको हम फोटोन बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो लोअर लेवल में प्रेजेंट है वो ये फोटोन की एनर्जी अब्सॉर्ब करके इस लेवल से इस लेवल में चला जाएगा। इस केस में इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की है, इस केस में एनर्जी जो है वो एमिट की थी, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दो तरीके से आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिल सकता है, चाहे वो फोटोन का एमिशन करके मिले, चाहे वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके मिले। तो स्टूडेंट्स हम जनरल केस ले लेते हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास दो लेवल्स हैं और इसके लिए n की वैल्यू n प्लस वन है इस लेवल के लिए, और इस लेवल की वैल्यू है n वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की, और इसके लिए एनर्जी है en और इसके लिए एनर्जी है n प्लस वन। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए मॉलिक्यूल यहाँ पर है, हाईएस्ट लेवल में है, हायर एनर्जी लेवल में है, जिसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू n प्लस वन है, और वो जब नीचे आएगा उस एनर्जी लेवल में आएगा जिसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू n है और उसकी एनर्जी en है, तो वो फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी एच न्यू होगी। अब एच न्यू किसके बराबर होगा, एच न्यू बराबर होगा इन दोनों लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, मींस एच न्यू विल बी इक्वल टू ई एन प्लस वन माइनस ई एन। तो यही फंडा यूज करते हुए हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन। तो आप हेडिंग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन्स इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, लेट मॉलिक्यूल मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल हैविंग क्वांटम नंबर n प्लस वन टू लोअर एनर्जी लेवल हैविंग क्वांटम नंबर n देन। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल एक हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है जिसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू n प्लस वन है, क्वांटम नंबर कौन सा है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, और वो लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है जिसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू n है, तो एक फोटोन एमिट होगा जिसकी एनर्जी एच न्यू होगी, और एच न्यू किसके बराबर होगा, इन दोनों लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। सो आप लाइन लिखेंगे एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन एच न्यू विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दीज टू लेवल्स। तो हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है en प्लस वन, और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है en। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने en की वैल्यू निकाली थी, और en की वैल्यू क्या निकल के आई थी, अगर आपको याद हो en की वैल्यू नीचे निकल के आई थी n प्लस वन बाय टू एच न्यू नॉट, इतनी निकल के आई थी। तो स्टूडेंट्स अगर आप en प्लस वन निकालना चाहते हैं तो n की जगह n प्लस वन रख दीजिए, तो यहाँ भी n प्लस वन रखिए, यहाँ भी n प्लस वन रखिए n की जगह, तो आपको en प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप en प्लस वन कैसे निकालेंगे, जब आप इस n की जगह n प्लस वन रखेंगे और प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा, एच न्यू नॉट बाहर ऐसे ही रहेगा, माइनस en की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, n प्लस वन एच न्यू नोड है, तो एच न्यू नोड आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको अंदर बचेगा n प्लस वन प्लस हाफ माइनस n माइनस वन बाय टू, n से n कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, वन बचेगा, एच न्यू नोड को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच न्यू नोड आ जाएगा, मींस एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नोड के बराबर ही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़ी सी डेरिवेशन और बची है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में। लास्ट सेक्शन में हमने यहाँ तक निकाल लिया था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट एच सी एच, आप कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट, और न्यू नॉट की वैल्यू क्या थी अगर आपको याद हो पिछले सेक्शन में, वन बाय टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाय न्यू, न्यू यहाँ पर रिड्यूस मास था, के यहाँ पर फोर्स कॉन्स्टेंट था। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंसी मिल चुकी है हमें, जो हमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन्स देखने को मिलेंगी उनकी फ्रिक्वेंसी में मिल चुकी है। तो अब लाइन लिखेंगे दिस गिव्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन वाइब्रेशनल एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन हो रही थी वो हायर से लोअर लेवल में हो रही थी और एक फोटोन का एमिशन हो रहा था, तो इस फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इतनी होगी, मीन्स जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी इस फोटोन के एमिशन के कारण उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होगी। इसी प्रकार से जब मॉलिक्यूल लोअर लेवल से यहां ट्रांजिशन करेगा तो जिस केस में आपको एक फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल इस लेवल में प्रेजेंट है और वो इस लेवल में जाना चाहता है तो बाहर से वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो फोटोन एब्जॉर्ब करने के कारण आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी होगी। तो आप सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज न्यू नॉट। तो जब मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, उस केस में भी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी। तो आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, जितने भी आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेंगी, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिले जब मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आएगा, या फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखने को मिले जब मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर जाएगा,
तो उन सभी केसेस में जो स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसीज होंगी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो आपको पूछ सकते हैं कभी भी, कहीं भी पूछ सकते हैं आपको कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो हमें मिलता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा वो कौन से रीजन में लाई करता है, वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ खत्म होता है हमारा वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंक्स हैं इस बुक के अंदर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिफरेंट यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, उन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और जो पिछला टॉपिक था हमारा, पिछला वीडियो जो था हमारा रोटेशन एनर्जी लेवल एंड रोटेशन स्पेक्ट्रा वाला, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की डेरिवेशन और आज का टॉपिक जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, वो समझ आई होगी। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।